व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि सबको पता है कि भाई इंडियन पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा खराब खबर है। हम लोगों को पता था कि भाई पबजी मोबाइल पहले भी चलता था, ठीक है, और अभी वो इंडिया में बैन हो गया था कुछ टाइम पहले, अभी वो वापस आ गया है। बट पबजी मोबाइल नहीं, उसकी जगह है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। तो वो दोनों सेम ही चीज है और ये पबजी मोबाइल का एक इंडियन वर्जन है। मैं देने वाला हूं तुम्हें कुछ रीजन जिसकी वजह से तुम्हें बीजीएमआई बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा यार क्यों ऐसा हो गया। तो चलो यार आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को यार लाइक करके जाना। तो पहले बात करते हैं इस गेम के एडवांटेजेस की। सबको बहुत ज्यादा टेंशन थी कि भाई हमारे अकाउंट में से यूसी वापस आएगी कि नहीं, फिट्स वापस आएंगे कि नहीं, स्किन्स वापस आएंगी कि नहीं। तो भाई मैं उन सभी लोगों को बता दूं कि तुम लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप अपने पुराने अकाउंट का डाटा ट्रांसफर कर सकते हो सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर। जब आप गेम के अंदर जाते हो तो वहां पे आपसे पूछा जाता है कि आपको अकाउंट ट्रांसफर करना है कि नहीं, और जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपका अकाउंट सिर्फ 2 मिनट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। आपकी यूसी, आपके आउटफिट्स, आपके स्किन सब वापस मिल जाता है। और इस गेम की एक और अच्छी बात है कि भाई आपको अब वीपीएन या दूसरे सोर्सेस से गेम डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। आप प्ले स्टोर से भी अब गेम डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि अब वो प्ले स्टोर वापस आ चुका है, तो आप वहां से भी जाके गेम डाउनलोड कर सकते हो। ये सब तो वो चीजें थी जो हमें ऑलरेडी पता था, पर उन लोगों के लिए जिन्होंने गेम डाउनलोड नहीं करा है और उन्होंने अभी तक नहीं खेला है, मैं तुम्हें बता दूं कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि भाई उन लोगों के लिए जिन्होंने प्री रजिस्टर भी कर रखा था, उन लोगों के फोन में भी अभी तक गेम अपने आप इंस्टॉल नहीं हुई है प्री रजिस्टर होने के बाद भी। सारे लोगों की हुई है, बहुत सारे लोगों की नहीं हुई है। एंड्रॉइड वालों की यूजुअली हो गई है, आईओएस वालों की यूजुअली नहीं हुई है। मैंने जो गेम डाउनलोड करके देखा वो देखा है मैंने टैप टैप एपीके से, वो सब तो तुम्हें पता ही होगा। अभी तक अगर तुमने भी नहीं किया तो तुम भी गूगल से टैप टैप एपीके डाउनलोड कर सकते हो और वहां से गेम डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ, जिसको देख के मैंने ये डिसाइड किया यार कि ये बहुत बेकार है। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज की तरफ हम बढ़ते हैं कि भाई सारे लोग ये गेम डाउनलोड अभी तक नहीं कर पाए हैं। इसका बीटा वर्जन आया है, अभी इसका फुल वर्जन नहीं आया है, तो इस गेम को अभी भी सही से आने में कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा। हमारे नेक्स्ट डिसएडवांटेज की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि जो भी आपके फ्रेंड्स थे, चाहे वो फेसबुक के हो, चाहे वो आपने ऐड किए हो, वो सारे फ्रेंड्स आपकी लिस्ट में से हट जाएंगे। भाई बहुत लोग के ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं जिन्होंने ऐड किया होता है और वो गेम फ्रेंड्स होते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे गेम फ्रेंड्स थे वो हट गए, मेरे को नहीं पता कि मैं उनको कैसे ऐड करूंगा, उनके साथ कैसे खेलूंगा, क्योंकि ना मैं उनके साथ किसी सोशल मीडिया पे हूं, ना मेरे पास उनका नंबर है, बट वो मेरे बहुत अच्छे गेम फ्रेंड्स थे। तो एक बहुत बड़ा मेरे को डिसएडवांटेज लगा कि वो चीज वापस नहीं आ रही है। हो सकता है कि गेम जैसे जैसे कि इम्प्रूव हो तो वो चीज वापस आ जाए, अभी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिसएडवांटेज की तरफ, पॉपुलैरिटी। जितनी भी आपकी अभी तक की पॉपुलैरिटी थी वो सब हट जाएगी। रिसेंटली ही मैंने गेम में 1 लाख पॉपुलैरिटी क्रॉस करी थी और जब मैंने वो वापस जाके देखा तो भाई वो एकदम जीरो हो गई। मैंने मांग मांग के लिया कि भाई ये चिकन भेज दे या मेरे को हार्ट भेज दे या बाइक भेज दे, भाई वो सब जीरो हो गई। ऑब्वियसली एक उन लोगों के लिए डिसएडवांटेज नहीं है जो बड़े बड़े स्ट्रीमर्स हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी उनको वापस मिल जाएगी, उतनी नहीं मिलेगी बट फिर भी बहुत हद तक वापस मिल जाएगी। आपके और मेरे जैसे नॉर्मल लोग उनकी पॉपुलैरिटी वापस नहीं मिल पाएगी, आपको वापस जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिसएडवांटेज की तरफ, जो है सेंसिटिविटी और कंट्रोल। जब मैंने कंट्रोल और सेंसिटिविटी में जाके देखा तो मैंने देखा कि जो मेरी सेंसिटिविटी थी वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है और जो मेरे कंट्रोल्स थे वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। वो आपको ट्रेनिंग ग्राउंड्स में जाके दोबारा पूरी रीसेट करनी पड़ेगी। हालांकि मैंने अभी अभी खुद 2 दिन पहले जायरो कोशिश करी थी और मैंने उसकी पूरी सेंसिटिविटी बनाई थी, बट अब वो फिर दोबारा मुझे बनानी पड़ेगी और फिर दोबारा उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो मेरे को ये एक डिसएडवांटेज लगता है। हमारा नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि भाई जितने भी तुम्हारे पहले सीजन के जो स्टैटिस्टिक्स थे, केडी थी, सारी नहीं मिलेगी आपको। अब जो आपको दिखाएगा वो सीजन 19 का दिखाएगा, सोलो स्क्वाड डुओ आपको सीजन 19 का दिखाएगा, उससे पहले के कोई भी स्टैटिस्टिक्स आप नहीं देख पाओगे। हालांकि आपके जो फ्रेम थे और जो आपके अचीवमेंट्स थी वो वहीं की वहीं रहेंगी, पुराने सीजन के स्टैटिस्टिक्स आपको वापस नहीं मिलेंगे, मतलब आपको नए सीजन से शुरुआत करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट डिसएडवांटेज है, जितने भी रिसोर्सेज पैक तुमने डाउनलोड किए थे ना, वो तुम्हें सब दोबारा करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली ये वाईफाई वालों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उन लोगों के लिए जो इंटरनेट यूज करते हैं, हाँ भाई तुम लोग को सारे रिसोर्सेस दोबारा डाउनलोड करने पड़ेंगे। रिसोर्स पैक 2000 MB से भी ज्यादा के हैं भाई। एक अच्छी बात यह है कि भाई पहले तुम्हें वीपीएन लगा के करना पड़ता था और जो रिसोर्स पैक थे वो बहुत धीरे धीरे डाउनलोड होते थे, पर अब तुम इंटरनेट से भी करोगे तो अगर तुम्हारी इंटरनेट स्पीड सही है
तो वो बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएंगे। कि भाई हमारा आज का लास्ट पॉइंट ये है कि हमारे इंडियन पेरेंट्स और हमारे इंडियन गेमर्स के बीच में वो लड़ाई बनी रहेगी, क्योंकि पबजी तो नहीं बट बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया वापस आ चुका है। भाई तुम कमेंट सेक्शन में बताना यार कि तुम्हें ये गेम कैसा लगा और ये डिसएडवांटेज तुम्हें सही में डिसएडवांटेज लगे कि नहीं लगे। इसलिए ये बात नहीं है कि मैं ये गेम नहीं खेलूंगा, मैं ऑब्वियसली खेलूंगा और इसे हम लाइव स्ट्रीम भी करेंगे अपने चैनल पे। तो अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि तुमने इस गेम में क्या क्या चेंजेस देखे। लोगों ने डाउनलोड नहीं किया यार मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टैप टैप एपीके की, तुम उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पे से जाके गेम डाउनलोड कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ उन्हें ऐड करके खेल सकते हो। बस यार आज के लिए इतना ही, नई नई चीजें कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना जो भी तुम चेंज नोटिस करो, और इस वीडियो को लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि भाई ये सब चीजें इस गेम में नहीं होने वाली और ये सब चीजें इस गेम की अच्छी बात है। बाकी ऐसी ऐसी वीडियोस हम बनाते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हमारे चैनल पे लाइव स्ट्रीम भी होने वाली है, सो बेल का आइकन दबा देना ताकि जब भी हम लाइव स्ट्रीम करें तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यार आज की वीडियो ये खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारी अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।